السلام عليكم. तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे किस तरह हम जो है अपने DP10 एप्लीकेशन का स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, अप्रूव हो गई है या अभी तक सबमिट नहीं हुई, या आपकी कंपनी में कितने को डायरेक्टर हैं, कितना स्टाफ है जो कि अंडर DP10 जो है आपका एम्प्लॉयमेंट पास है उसके अंडर काम कर रहा है। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान सा है तरीका, अगर आपके पास आपकी कंपनी का ROC नंबर है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो नंबर है जो आपको SSM ने आपको दिया है, अगर आपके पास वो है तो आप वो नंबर आप इधर लिखेंगे बड़ी आसानी के साथ। आप इधर नंबर लिखेंगे और इसको सर्च का बटन दबाएंगे। लिंक जो है इस पेज का लिंक वो बहुत ही आसान है, लिंक मैं आपको इधर भी दिखा दूंगा। और लिंक जो है नीचे को तफसील का जो सेक्शन है यूट्यूब में वहाँ भी मौजूद है, तो आप लिंक वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस। आपने देखा कि ये मैंने ROC नंबर को डाला इस कंपनी का, इसमें कोई फॉरेनर नहीं है इस कंपनी में, सो इस वजह से इसका कोई स्टेटस नहीं आया, कोई एम्प्लॉयमेंट पास नहीं हुआ इशू। अब हम दूसरी कंपनी में हम चेक करेंगे जिनका के एम्प्लॉयमेंट पास है। अभी मैंने ये दबाया, अच्छा ऊपर ऊपर जो है ना सर्च, हमारे पास दो ऑप्शन है, ये जो ऊपर वाला है ना इनपुट जो ऊपर वाली है, इसमें जब हमारी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो हमें एक REF नंबर हमें मिलता है, जिस पे अगर तो आपकी एप्लीकेशन इंग्लिश में है तो उस पे REF नंबर ही लिखा होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन वो इनकी ज़ुबान में है, इनकी इनकी लोकल ज़ुबान में है तो उस पे होगा को नंबर रुजू कैन उसके ऊपर होगा। तो अगर आपके पास कंपनी का ROC और नंबर नहीं है, आपके पास वो अप्रूवल का एक लेटर है, तो वो लेटर के ऊपर जो को नंबर REF नंबर है या नंबर रुजू कैन है वो नंबर आप इधर आप लिखेंगे। इधर नंबर को राइट करने के बाद आप सर्च दबाएंगे तो आपका जो भी स्टेटस होगा ये रिजल्ट में ये जॉब का होगा आपका, ये को यहाँ पे कोई नंबर आएगा, कोई सीरियल नंबर है, ये कंपनी का आएगा नंबर, यहाँ पे आपका नेम आएगा अगर आप उस कंपनी के अंडर हैं जिसका आप स्टेटस चेक कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जॉब आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, अप्रूव हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, अंडर प्रोसेस है, जो भी स्टेटस होगा वो इस रिजल्ट के टैब में आपको आपको मिलेगा। अभी मेरे पास जो कंपनी है उसका मैं स्टेटस चेक करने जा रहा हूँ, उसका जो स्टेटस है वो हम चेक करेंगे साल 15 होगा और जो है इसमें जो जो मंथ होगा वो हम करते हैं दिसंबर 31। इट्स नॉट सेलेक्टेड, वाई यानी व्हाई हैपनिंग दिस, व्हाट इज हैपनिंग देयर, ओके आई हैव टू पुट मैनुअली, आई विल यू कैन आल्सो पुट मैनुअली द डेट हियर, देन स्लैश, देन मंथ एंड देन ईयर, हियर आई हैव टू सेलेक्ट द डेट ऑफ 12। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च द अंडर ऑफ पीरियड द ईयर ऑफ 15 एंड नाउ इट्स 17। आई एम जस्ट सर्चिंग इन द डेटा बेस ऑफ इमिग्रेशन कौन कौन से जो हैं एम्प्लॉयमेंट पास इशू हैं इस अरसे के दौरान, इस दो साल के दौरान इस कंपनी में। ये जो ऊपर नंबर है, ये नंबर है, इस कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट पास और किन किन के इशू हुए हैं, किन के रिजेक्ट हुए हैं, उन सब का स्टेटस इधर आएगा। तो अभी हम सर्च का बटन जो है इसको प्रेस करते हैं।
ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। जी, ये आपने देखा कि इस कंपनी में दो फॉरेनर जो है उनके एम्प्लॉयमेंट पास इशू हुए हुए हैं। आपने देख लिया यहाँ रिजल्ट में अप्रूव आ गया है और सेकंड भी अप्रूव है, और ये जॉब का जो भी उनका डेजिग्नेशन है जॉब में, ये मैनेजिंग को डायरेक्टर हैं ऊपर वाले रईस हैदर साहिब, और ये ऑपरेशन डायरेक्टर हैं हैदर रिजवी साहिब। तो को लिंक अभी मैं आपको दिखा दूं, इधर भी दिखा देता हूं, और आप लिंक जो है नीचे को तफसील का जो सेक्शन है यूट्यूब में, वहां से भी आप लिंक ले सकते हैं। तो हमारी वीडियो जो है इसको आप, अगर आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए। सो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।